इन्हें नौकरी भी ना मिल रही, क्या फायदा हुआ एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट आयो है जी, आयो है हमारा तो एक बालक भी लगाना है, न्यू कह दे लोकल करने ना ले भाई, हम बाहर करने लगे, जमीन हमारी चली गई, घर हमारा जाने को तैयार, लोकल के बालकन को नौकरी ना, कहाँ जा अपनी मार, हम पैसा नहीं मिला आपको, पैसा पैसा तो खा गए, कौन खा गया पैसा? हम तो गरीब आदमी, हमें पैसा ही ना मिलो, मजदूर आदमी है सरकार अच्छे दिन किसान, किसानन के तो आगे मजदूर के कहा आगे, अच्छा आप मजदूर हैं? हाँ मजदूर हैं हम, मजदूर हैं, क्या चला हम कैब, कैब कहाँ चला हमें, कहाँ चला हमें? मजदूरों के लिए काम नहीं किया सर, क्या किया मजदूरों के लिए हमें बता दे, बताओ आप बताओ मजदूरों के लिए क्या कहा है? हमारे गांव में एक भी शौचालय बनवाया हो, एक भी मकान दिया हो प्रधानमंत्री योजना में, बताइए कहाँ दिया? हमें नहीं दिया तो किस किसी को भी नहीं दिया, झूठे वादे नेक इरादे, जो इनका विरोध करो वही पर चार्जशीट लगा के जेल भेज दे चल बस, हमें क्या डर लग रहा, मर जाएंगे चले जाएंगे, मजदूर आदमी है पर हाथ तो ना ढोंगे, पर मीडिया तो कहता बड़ा अच्छा काम, मीडिया तो कहेगी जित के खावे को दो रोटी वाई के खावे को सारी रात, मौके पाले मीडिया भी बिका हुआ है। और क्या मीडिया बिका हुआ है, मीडिया देखे हमने जो था नकिन की बुराई करा है, वहाँ पे मोहब्बत हटा के नियो को कर ले, नबिया की मत सुनो, बीजेपी की बुराई कर रहा है तुरंत हटा लेंगे जो बीजेपी की बुराई, रास्ता क्या है, रास्ता क्या, रास्ता ही हुआ भैया हमें रोजगार दो, मजदूर आदमी ने रोजगार तो है नहीं सरकार, रोजगार ना है तो हम पे जो दिखेगा वो करेंगे बस, वोट नहीं दोगे, वोट तो देंगे काया भी दे मंदिर में का हम पूजा करेंगे, हम घुसन तो दे ही ना है, दलित भगाओ इन्हें दलित इन्हें मत घुसन दो भाई मंदिर, हाँ बताओ हाँ दलित हम ना ना, तो कांग्रेस ने दिया कभी उन्होंने भी लिए ले और का मिलो कब्जो एयरपोर्ट के बनिए हम, जब हमें रोजगारी ना मिल रहा तो बोलो हाईवे बन गो पैसा दे और चले हमें किराए पे, किसकी सरकार जी, और सुनो फरियादा कटते बैठे नहीं हो, कहते जेवर तक तो किराए लगे हम तुम पैसे क्यों लेओगे भाई, जेवर तक तो किराए हाँ टोल ना किराए, हम पे गाड़ी ना है टोल को, बस में अनाज 5 किलो तक हो, रोजगार दो हम तो 10 किलो कमा लेंगे, किसकी सरकार सरकार चाहिए, सरकार हमें वो चाहिए जो काम करे, किसकी सरकार काम करे, काई की भी करो ई करो लगेंगे, आए देखी तो होंगे कौन सी, खूब देखिए हमें कांग्रेस बढ़िया लगी, कांग्रेस की बदौलत जो दलित वो बन गए जमींदार, सरकार परेशान करिए जब इतने इकट्ठे हुए हैं, क्या है डिमांड, डिमांड ये इनके जो गांव उठा रहे खेत ले रहे उनको अच्छा मुआवजा दे, इनसे बैठ के बात करें, किसान से समझौता करके बात करें, करोड़पति बन गए आप तो, करोड़पति तो बैनर है जो बेचारे पहले चले आ रहे, अब तो उसे अडानी का बना दिया है अभी सरकार ने, आप लोग क्या चाहते हैं, चाहते हैं बैठ के बात करें और सही जगह किसान को इस्तेमाल करें, उसको जो पैसा तय किसान के सरकार के बीच में बैठ कर होगा उस पर राजी होंगे, नहीं वे तो किसान से इनसे सरकार से कुछ होंगे ही, योगी से मिलने जाओ हमारी सुन ले, पर जब योगी सुनने का ना तो फिर यहाँ इकट्ठे हो गए, दी ही अभी हमारे भैया ने बताई गए गाय का बच्चा खरीदना, गधे का बच्चा ठाला लात बजा रहा, पता अब लग गया आगे इकट्ठे हो गए, आपने 2 बार चुन ली सर, तीसरी बार में खत्म कर देंगे, गारंटी पब्लिक बताएगी, मंदिर मस्जिद पे कोई वोट ना दे, विकास पे देगा आपका वोट, जो कुछ करना होगा विकास तो गंगा में बहेगा इनका करावा, गंदी गंगा इनसे ज्यादा गंदी करी ना किसी ने, देख लो जाके किसी गंगा में कहीं भी, हिंदू ही तो बैठे बेचारे, जो जिनके बच्चे इतने से बैठे थे, चल के वहां को पता लग जाएगी, वे बच्चे स्कूल की छुट्टी करके आए यहाँ, बा हमारा तो यही कहना है कि समस्या जितनी भी है सब खत्म होनी चाहिए, ना किसानों की समस्या है, किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ा, खत्म हो जाएगी तो फिर राजनीति कैसे होगी, नेता वोट कैसे, अब राजनीति के चक्कर में भी नेता तो वोट मांगेंगे, गरीबों का भला कैसा होगा, वोट किन के चक्कर में वोट दे, मैंने नहीं समाज को जो आंदोलन से नेता तो मिलेंगे, पर लेकिन नेता भी तो वहां जाने के बाद में उनके हो जाए, जैसे मैं चला वैसे चले, इसके अलावा चलते ना, सब किसानों में से तो निकटे हुए, चौधरी चरण सिंह के पैदा करे नेता है आधे,
पर बात तो बताओ, जब ऊपर से अंकुश जिसका रहेगा, जब हाईकमान जो आदेश कर देगा वे नीचे वाले करेंगे। हाईकमान कौन है? अरे हाईकमान कौन होगा? हाईकमान वही है भाई, प्रदेश में बैठे तो मुख्यमंत्री, सेंटर में बैठे तो प्रधानमंत्री, इनके अलावा और बताओ। तो सब कहते हम भी किसान है, किसान किसान कौन सा हल जोत रहा, कौन सा ट्रैक्टर चला रहा, कहे के किसान है, कौन सा हो रहा? वोट मांगे किसानों के नाम पे ही, आय भी दुगुनी करेंगे सबके किसानों की, पर किसकी जमीन पे होके रहा है? जमीन पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। अब हमने पीछे भी देखा लगातार किसान तो बेचारे आंदोलन ही करते हैं, किसानों का करने के लिए आंदोलन यही करेंगे। यू बच गया इनके दौरा, और कोई है नहीं, यो बाबा महेंद्र टिका इतना दिखा, सिखा दिया आंदोलन करना, और उस टाइम में सिखा दिया अंग्रेजों ने आंदोलन करना, जब उनसे छुटकारा मिला। इनका भविष्य कैसे बनेगा? इनका भविष्य बनेगा जब ही, जब यह सरकार इनके प्रति बिल्कुल संवेदनशील होगी, किसानों के प्रति, तब बनेगा। अब एक बात बताओ तुम, ये किसानों की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री लगाते हैं, उस इंडस्ट्री लगाने में कितनी सब्सिडी दें? किसी को मान लिया 20 करोड़ दे दिया, 8 करोड़ की सब्सिडी दे दी, उसे सड़कें भी तैयार करके दे मैं, उसे बिजली भी 24 घंटे की दे मैं, किसान के लिए क्या करें? पहले क्या जरूरत थी इंडस्ट्री की, कुछ थी क्या? किसान मजबूत था, किसानों के खेतों में और 10 आदमी को और रोजगार मिले कर रहा, किसान भी खुशहाल आगा, फसल के रेट बढ़िया है। समय के साथ साथ विकास भी जरूरी है। अब विकास करोगे तो उनका भी तो पीछे को दुनिया भी तो लेकर चलना पड़ेगा साथ, दुनिया में तो पीछे रह जाओगे। नहीं, किसानों को तो साथ लेकर चलना पड़ेगा, उन्हें पीछे की छोड़ रहे हो। विकास खाली बस सड़कों का कर दिया, इनका कर दिया इन्हें दिखाने के लिए, उस किसान का भी तो ध्यान करो, उसकी कितनी आमदनी रहेगी, कितने पैसे, कितने भाड़ा क्या उसके? जो जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वहां से जो विस्थापित गांव के, उनको जमीन तो दी है ना? कितनी दी है? किसी की 1000 गज जगह ले ली उसकी, जमीन दे रहे हैं उसे 100, 5 लड़के हैं उसके, वो तो अपने में बांट के कर देगा भाई, पर 5 लौंडे 200 गज आ जाएगी, उस 100 गज में से किसे किसे देगा वो? इन्होंने तो अपना तैयार कर दिया अपना प्रपोजल, समस्या सारी सबसे बड़ी जड़ यही है। उसके बाद में रेट है, अब रेट जो बाजार का रेट है उस रेट के हिसाब से उनकी जमीन तय करें। जो गांव था जो इन्होंने शहर बना दिया, कागजों में शहर बना, कागजों में शहर बना, पे क्या है जमीन पे भक्के वहीं पड़े हैं, तो अभी गए कहाँ हैं? अभी वहां से उठ कर गए कहाँ हैं? बस सरकार की चाल समझ लो, इसे चाहे कुछ समझ लो, दलिया दड़ा जाना नीचे वालों का, और जब जब इनका दलिया, जब जब किसी पे ज्यादा अत्याचार होगा तब तब आवाज उठेगी उठेगी, उसे कोई रोकने वाला। जयवीर सिंह यादव, जनपद एटा, एटा से आए, एटा से आए जी, एटा से आए, एटा में भी समस्या है, एटा में भी किसानों की जमीनों को सरकार छीन रही है, और उनके जो आवंटन है आवंटन नष्ट कर रही है, औद्योगिकरण लगा रही है, औद्योगिकरण नाम पे नेताओं को फार्म बना रहे, नेताओं के फार्म बनाए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ में। हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली 15 दिन आती है 1 महीने में। लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है कि किसान की जमीन अधिग्रहण हो जाती है, पैसा आ जाता है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, ये छलावा है किसानों को, या NCR में फिर भी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे अलीगढ़ मंडल में तो किसी को मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा अत्याचार है किसान, बहुत बड़ा अत्याचार है साहब। वही सुनाने के लिए आए हैं कि जनपद एटा में भी और आंदोलन भी बहुत भारी है, संगठन भी बहुत मजबूत है और लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बताने आए हैं चौधरी टिकैत साहब को कि हम भी वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जमीन नहीं देंगे। ये सरकार अत्याचारी और अन्यायी, हमारे यहाँ अधिकारियों को एकदम खुला छोड़ दिया है कि लूट मचाओ।